बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फ़िलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से मेरे दोस्तों, मेरे मुशाहिदीन, इस वक्त की एक ख़ास खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और आप लोगों के सवालात भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि अज़ीम भाई, आज नॉर्थ शिरकिया का लॉकडाउन ख़त्म होना था, क्योंकि दो हफ्ते पहले उमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए फैसला आया था कि नॉर्थ शिरकिया के इलाके यानी कि इब्रा और इसके आस पास के 6 इलाकों के अंदर लॉकडाउन लग गया था। तो इस हवाले से आप लोगों के सवालात आ रहे थे कि आज जो ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, तो भाई इस हवाले से आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के जरिए आर्टिकल शाया हुआ। इस आर्टिकल के मुताबिक ओमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए फैसला आया कि अभी ये लॉकडाउन इसी तरह बरकरार रहेगा, शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, और ये भी नहीं बताया गया कि कब तक ये लॉकडाउन लगेगा। इसके हवाले से मेन ये भी तस्दीक की गई है इस आर्टिकल के अंदर के गैस स्टेशन, इसके अलावा जो पैरामेसी है, प्राइवेट में पैरामेसी होगी, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें ओपन रहेंगी। बाकी तमाम कमर्शियल चीज़ें शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी नॉर्थ शिरकिया के इलाकों के अंदर। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी कुछ ओमान के लॉकडाउन के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। रौफ़ अज़ल अज़ीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।